नमस्कार, केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। धनबाद क्लब में नया फाउंडेशन द्वारा विनर्स माइंडसेट सीरीज की दूसरी पारी की शुरुआत की गई। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी नया की टीम व्यक्तिगत रूप से लेकर महिला, बच्चे और तमाम तरह की संस्था के साथ उनकी जनशक्ति को मजबूती, उनके अस्तित्व को सही पहचान और राह देने का आगाज किया है। नया की संस्थापक डॉक्टर शबा आलम खान उन्नत विज्ञान के माध्यम से लोगों को विकास मानसिकता की तरफ ले जाने की क्रांति को आगे बढ़ाना चाहती है। आज का कार्यक्रम धनबाद क्लब में रखा गया था। धनबाद को ये अनोखा जीवन बदलने वाले अनुभव उपलब्ध करवाने में अन्य संस्थाओं का भी सहयोग मिलेगा, खासकर ऐसे बच्चे जो माता पिता से दूर, समाज से दूर होते जा रहे हैं। जीवन के मूल्य को समझाते उन बच्चों को भी मार्गदर्शन देने का कार्य किया जाएगा। लॉन्च के आज के महत्वपूर्ण दिन में टीम में धनबाद की अध्यक्ष पूजा रत्नाकर अपनी टीम के साथ, कल्पना झा, पर्यावरण मित्र की संस्थापक कवित्री सुधा मिश्रा, अपना हॉस्पिटल के संस्थापक जनाब सलाउद्दीन, द फाउंडेशन प्ले स्कूल के डायरेक्टर अनिल सिंह जी के साथ अन्य कई ऐसे विन माइंडसेट की सोच का पूर्ण रूप से समर्थन करते दिखे। जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारा एक ही है। हमको ये वाली दुनिया भी अच्छी करनी है अपनी, और वो जहाँ जाना है वो दुनिया भी अच्छी करनी है। तो जब तक आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, तो आप ग्रो कैसे करोगे? आप जब ग्रो नहीं कर पा रहे, दूसरों को कैसे हेल्प करोगे? आपको तो ये है कि आप फसल पे जा रहे हैं। मेरे वेबसाइट सर, इंडिया फाउंडेशन का वेबसाइट है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ इसी वजह से मैंने एक नंबर रखा है। लेडीज बच्चे मुझे रात को ही फोन करती हैं, 12 बजे से पहले पहले तक में मैं कॉन्टेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस बुलाती हूँ कि काउंसलिंग करवानी है, कि मैम जीने का दिल नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सी सिचुएशन आती है लाइफ में। बच्चे बोलते हैं कि इस बार अगर हम फेल हो गए ना, इस बार हम जान दे देंगे। तो वो मैं उनको कहीं भी बिछाए, होटल एरिया में कहीं पर बुला के, ग्राउंड में बुला के उनको काउंसलिंग देती हूँ। तो उनको लगता है, मैम पहले पता होता ना तो आज मेरा रिजल्ट और अच्छा आता, या फिर हम ये स्टेप नहीं उठाते। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में। सी इंसान जो है ना, CRY क्राई भी 3 वर्ड का है, JOY जॉय भी 3 वर्ड का है, लेकिन इंसान के ऊपर है कि वो चुनेगा कौन सा। ठीक है, स्माइल वैसे सारे वर्ड्स चार चार, नेगेटिविटी भी 10 वर्ड का, पॉजिटिविटी भी 10 वर्ड का, लेकिन इंसान के ऊपर है कि कौन सा 10 चुनना चाहता है। तो ये माइंड सेट। हाँ प्लीज प्लीज, एक क्वेश्चन है जी। आपने कोई ऐसा सर्वे किया है इंडिया में कि जो सुसाइड का रेट है क्या है? जिसमें ये है कि वुमेन्स का सबसे ज्यादा आ जाता है, और प्लस मैरिड वुमेन्स का उनका जो चक्कर है वो ज्यादा आ रहा है। बट हाँ, ये फैक्टर कब रिजॉल्व होता है या ये फैक्टर कब डिफर कर जाता है, एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद वाला में ना, आपको सिंगल जो है, जो नॉन अनमैरिड वाले, उनका टारगेट बहुत बढ़ जाता है अचानक से। व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ सुसाइड, आप क्या देखती हैं? पीपल, वही अभी मैं एग्जांपल दिया ना कि चीजें आपके सामने होती है। एज वाइज सबका रीजन अलग है, सबका अलग होता है। और एज वाइज कॉमन रीजन आपको क्या लगता है? जो उनका जो माशरा, जो उनका एनवायरनमेंट है, उनको कैसे वो सपोर्ट करते हैं, उनके एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स। तो अभी ये है ना, मैं तो बोलती हूँ सबको कि बच्चों को सिखाना, बाद में पहले पेरेंट्स को समझाना है, सिखाना है उनको, एडिकेट्स मैनर्स। बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहले बच्चों को सिखाने से पहले मैं जो पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है कि आप कैसे अपने बच्चे से बात करते हैं। जब वो गुस्सा होकर आता है तो आप क्या करते हैं? तो पहले पेरेंट्स को सिखाना। मैं वही डील कर रही हूँ। मैं सबसे एक खुला आमंत्रण है, ये इनविटेशन देना चाहिए, जब भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि फलाना टॉपिक पे ये वर्कशॉप होने वाला है, और ये डिजाइन फॉर, मैं हमेशा लिखती हूँ अपने पोस्टर पे, डिजाइन फॉर वुमेन्स, डिजाइन फॉर स्टूडेंट। तो जब भी ये कहीं पे भी दिखे, पोस्टर दिखे, धनबाद में दिखे, वहाँ पहुँचे। और वो 2 घंटा 3 घंटा, मैं आपसे गारंटेड कह रही हूँ कि उन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा वो जॉय, वो उत्साह अपने अंदर, और जीने का वो जो है ना, करने का कि अब करना है। सेकंड इनिंग वुमेन्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्ले योर सेकंड इनिंग, अपने दिल का खेलो सेकंड इनिंग, और इस बार सेकंड पारी अपनी जम के खेलो। अगर मौका मिलता है, आपके सपोर्टर्स एक दो भी मिलते हैं, तो खेलो अपनी सेकंड पारी। तो वो सारा चीज़ है, लेकिन जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन जाए, प्लीज़ वो वर्कशॉप ज्वाइन करें, वुमेन्स, बच्चे, सबको लेकर। अभी अपकमिंग मेरा वुमेन्स के साथ होने वाला मदर्स डे में, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। उसमें बच्चों को मम्मी के साथ कैसे उनकी बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग है, पेरेंटिंग बॉन्डिंग है, उस पर एक्टिविटी के बेसिस पर हम समझाएंगे कैसे बच्चा आपका साइकोलॉजिकली चलता है, आपको देख के तब ग्रोथ करता है। तब एक्सपेक्ट कीजिए अपने बच्चे से कि मेरा अच्छा करें, पहले दें फिर एक्सपेक्ट करें।
क्या सभी स्कूल भी जाकर जागरूक करना चाहेंगे आप? गए हम लोग लास्ट सीजन में, हम लोग गए थे मैं उत्तराखंड के सपोर्ट से, हमने दो तीन स्कूल कवर किए थे, बच्चे बहुत खुश हुए थे और रिपीटेटिव था वो चीज़, गए भी थे। उसके बाद फिर हम लोग डाइवर्ज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन ये मेरा ऑन था, होमवर्क मेरा ऑन था उस टाइम, मैंने बहुत बेसिक किया था जिसकी वीडियो चल नहीं रही है, मैं चाहूँगी उसको देखना आप लोग अगर टाइम मिले आपको तो। हाँ सेक्ट उनको पता है डी जे सी सेक्ट पे, ठीक है वो दिखाना चाहूँगी। तो उसमें ये है कि हम लोग स्कूल्स कवर करने वाले हैं और जगह जगह स्कूल्स पे जाके करने वाले हैं, सारे सबको कवर करेंगे। और जो वुमेंस नहीं निकल पाती उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो सुने कि वर्कशॉप हो रहा है तो प्लीज़ आए। आई एम चैलेंजिंग यू कि उनको ये लगेगा कि ये बहुत अच्छा हो गया, आज तीन घंटे हम लोग खुल के जिए। स्कूल जब आप जाएंगे तो बच्चे का पेरेंट्स के भी वहाँ पहले सूचना मिलेगा तब ना आएंगे? ये सब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगा, सब कुछ आपको एक हफ्ते पहले इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू पूरा धनबाद का सीरीज पे चला दिया जाएगा। वहाँ का जो प्रिंसिपल होंगे उनको भी आप सूचना देंगे तब ना? हाँ हाँ सब कुछ सब कुछ, बाकायदा लेटर के साथ जाएगा। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर शर्मा, चाइल्ड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और एचआईवी पे काम करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे जल्द, आप बने रहे हमारे साथ। केसीएन टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।